गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं कैरेट चॉकलेट्स। तो आइए देखते हैं इसको बनाते कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे हम लेने वाले हैं कद्दूकस किया हुआ यानी कि ग्रेट किया हुआ कैरेट। तो इसको मैंने वॉश करके इसकी स्किन को पिल करके उसको ग्रेट किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ 1 कप मिल्क। ये मैंने बॉईल किया हुआ मिल्क है जो रूम टेम्परेचर पे है अभी। उसके बाद 1 कप शुगर। देन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं घी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून घी का यूज़ किया है। उसके बाद एलमंड्स लिए मैंने एकदम फाइनली चॉप करके, तो फर्स्ट पैन में मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून घी। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है और गर्म हो जाता है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 कप्स ऑफ ग्रेटेड कैरेट। तो यहाँ पे हम एकदम हमें मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है कैरेट को, तो ऐसा साइज़ होना चाहिए ग्रेट करते वक्त। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 कप मिल्क। उसके बाद 1 कप शुगर। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद और शुगर भी थोड़ी मेल्ट होने के बाद हम इसको लिड लगा के रख देंगे ओनली फॉर 2 मिनट्स। उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। उससे क्या होगा, जब हम इसमें मिल्क डालते हैं तो मिल्क जल्दी से इवॉपरेट नहीं होगा और कैरेट को भी पानी छूटेगा। सो जो फीलिंग हमें चॉकलेट के लिए चाहिए वो हमें जूसी चाहिए। तो अगर हमने इसको ढक्कन नहीं लगाया तो जो मिल्क है वो जल्दी से इवॉपरेट हो जाएगा और हमारा जो फिलिंग है कैरेट का वो सूखा बन जाएगा। सो इसलिए आप देख सकते हो इसको भी पानी छूट गया सिर्फ 2 मिनट लिड लगा के रखने से। सो अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। सो अभी आपको लिड बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसको ऐसी बीच बीच में हमें मिक्स करते रहना है और इसको रिड्यूस करना है हमें। फिलिंग की कंसिस्टेंसी हम इस तरीके से चेक करेंगे। आप देख सकते हो इसका जो पानी अभी तक वो सूखा नहीं है या फिर रिड्यूस नहीं हुआ है इतना, अभी तक ये रनी कंसिस्टेंसी में है। तो ये हमें इसकी रनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हो ये थोड़ा और रनी कंसिस्टेंसी में है। तो हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते करते चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हो अच्छा खासा इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होते गया है। और अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स करके इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर टोटली ऑप्शनल है। जब आपको लग रहा है कि अच्छा खासा थिक हो रहा है या गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया है बिकॉज़ हमारा मेन फोकस है कि कैरेट की फिलिंग। तो इसमें ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स ना डालें, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो इसमें। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हो अभी इसकी कंसिस्टेंसी। सो मैं इसको अभी बाउल में निकाल दूँगी और आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा कि यहाँ पे ये जो फीलिंग है वो कितनी जूसी है। सो ये ऐसी हमें फीलिंग चाहिए, पूरा उसको आपको सुखाना नहीं है, ऐसी इसकी फीलिंग चाहिए। सो डबल बॉइलिंग के लिए एक पतीले में मैंने हाफ पानी लिया है। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर बाउल रख दूंगी। सो यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स के चॉकलेट लिए। एक तो डार्क चॉकलेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 250 ग्राम्स और दूसरे साइड मैंने लिया हुआ है मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। सो ये भी मैंने लिया है 250 ग्राम्स। दोनों की जो क्वान्टिटी है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ बटर। सो बटर मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून। सो बटर जो है वो चॉकलेट मेल्ट करते हैं हम इसमें डालेंगे ताकि उसमें एक शाइन आ जाएगी। और आपको चॉकलेट जो है वो इस तरीके से ग्रेट करके या फाइनली चॉप करके या फिर आप इसको क्यूब्स में इस तरीके से कट कर सकते हो। सो हम जो है डबल बॉयलर में अब चॉकलेट डाल देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं 250 ग्राम्स डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। उसके बाद 250 ग्राम्स मिल्क कंपाउंड चॉकलेट और इन सारी चीज़ों को हम मेल्ट करेंगे। तो जब ये थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर।
बटर से इसको एक शाइन आती है, तो इसलिए हम इसमें बटर ऐड करेंगे। जब भी आप चॉकलेट बना रहे हो तो मेक श्योर उसमें कोई पानी के ड्रॉप्स ना गिरे, अदरवाइज जो चॉकलेट है वो जल्दी ख़राब हो जाता है और एक्सपायर हो जाता है। हमारा जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो मैं अभी इसको मोल्ड्स में निकाल लूँगी। तो हमें यहाँ पे मोल्ड्स में सिर्फ इसको कोट करना है, तो आप देख सकते हो ब्रश की हेल्प से मैं इसको कोट करने वाली हूँ ताकि इसका एक पतला लेयर अच्छे से चारों साइड पे लग जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रश लिया है और मैं इसको कोट करूँगी। कोट करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद मैं इसको निकाल दूँगी और हम इसके बाद इसमें कैरेट की फिलिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो 10 मिनट्स के बाद चॉकलेट जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें कैरेट की जो फिलिंग है वो हम इसमें डालेंगे। मेक श्योर आप एकदम रूम टेम्परेचर या फिर ठंडा वाला फिलिंग यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज जो चॉकलेट हमने सेट करने के लिए रखा था वो फिलिंग के हीट से वो भी मेल्ट हो जाएगा और शेप उसका बिगड़ जाएगा। सो हमें इसको ठंडा ही यूज़ करना है। फिलिंग डालने के बाद हम इसको एक और ऊपर लेयर दे देंगे चॉकलेट का, और आप देख सकते हो इस तरीके से हमें इसको ऊपर से भी चॉकलेट से फील करना है। हम इसको अच्छे से टैप कर लेंगे फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स तक। आप टैप कीजिए इसको ताकि जो सारी बबल्स है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम इसको सेट करने के लिए रखेंगे एटलीस्ट फॉर 1 आवर। आप देख सकते हो 1 आवर के बाद ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो मैं इसको डीमोल्ड कर दूंगी। जो चॉकलेट है और फीलिंग दोनों भी बहुत स्वीट होता है, तो आप इसको एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रखिए ताकि दोनों भी फ्लेवर है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। सो आप देख सकते हो ये हमारी चॉकलेट्स जो है वो हो चुके हैं रेडी, और ये बहुत ही जूसी और अमेजिंग इसका कॉम्बिनेशन और फ्लेवर है। आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो। इफ़ येस प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।